आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा फहराने के लिए खंडवा की महिलाओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर जागरूकता लाई। यात्रा में प्रवासी महिलाओं और छात्राओं ने हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने महिलाओं ने शहर में तिरंगा यात्रा वाहन रैली निकालकर 13 से 15 अगस्त तक हर घरों में झंडा फहराने के लिए जागरूक किया। महिलाओं ने लोगों से अपील की कि अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराकर राष्ट्रभक्त होने का परिचय दें। तिरंगा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा में कनाडा में रहकर पढ़ाई कर रही खंडवा की बेटी लावण्या और शादी के बाद मलेशिया में रह रही दीप्ति राज वैद्य भी शामिल हुई। और मैं मलेशिया में रहती हूँ, मेरा जन्म स्थल खंडवा का ही है। और जब मुझे पता चला कि तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है तो मेरे से नहीं रहा गया और मैं इसमें भाग लेने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। और आज उसमें ही भाग लेकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी एक फीलिंग है अपने देशभक्ति की इस वाली, तो अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ वहाँ पर दूतावास में ऐसे छोटे मतलब इंडिपेंडेंस डे पे और स्वतंत्रता दिवस पर मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस तिरंगा यात्रा में शामिल हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारत की बेटी हूँ। वंदे मातरम। कनाडा में मैं पढ़ रही हूँ 8th क्लास में। कि मेरा निवेदन है आप सबसे कि आप 15 तारीख को अपने घर के बाहर तिरंगा लहराएं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।